यूएई गवर्नमेंट ने इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान ये तीन कंट्री के लिए फ्लाइट बैन हटा दिया है 5 अगस्त से। सो अभी जितने भी जो वर्कर्स हैं जो अपने अपने कंट्री में फंसे हुए हैं फ्लाइट ना होने की वजह से, तो अभी उन सभी लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके पास वैलिड रेसिडेंस वीज़ा होना चाहिए यूएई का। अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा अगर आपने यूएई से बाहर हैं, तो आपको जो है पहले कंपनी में कॉन्टेक्ट करके आपको अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही आप आ सकते हो। और सबसे मेन जो कंडीशन ये है कि अगर आपने दूसरे किसी कंट्री से वैक्सीनेट किया है तो फिलहाल अभी आप यूएई में एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आपने यूएई से वैक्सीन अगर आपने यूएई से लिया हुआ है, दोनों डोज आपने यूएई से वैक्सीन कंप्लीट किया हुआ है, तो अभी आप जो है यूएई में एंट्री कर सकते हो। ये ऑफिशियल न्यूज़ है यूएई गवर्नमेंट के तरफ से। इसके अलावा भी और भी कोई चेंजेस अगर आता है तो आपको हमारे चैनल में मिलते रहेगा सारे इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ट्रैवल्स के रिलेटेड सारे वीडियोस हम देते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आपकी कमेंट का रिस्पॉन्स मैं जरूर करूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।